हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपका है आइसक्रीम वाला। तो बहुत से बुक के अंदर इसका सलूशन आपको समझ में हो सकता है कि नहीं आया हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आई गारंटीड कि इसका सलूशन बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहें इस लेक्चर के एंड तक। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, देखिए आप। इसके अंदर एक आइसक्रीम का फिगर दे रखा है और आइसक्रीम कैसे है उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है फ्रंट से, मतलब ये जो आइसक्रीम ना इसको बीच में से आप क्या कर दीजिए, कट मार दीजिए। तो देखिए किस तरह से दे रखा है आइसक्रीम का, चुड़ो चुड़ो, राइट। ये हो गया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से है, चुड़ो 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 चुड़ो। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसके अंदर आइसक्रीम नहीं है। ये जो कॉनिकल शेप होता है ना आइसक्रीम का, नीचे वाला हिस्सा जो होता है जिसके अंदर आइसक्रीम फिल करते हैं, वो बिस्किट की तरह होता है ना, तो वो दे रखा है इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया। और आइसक्रीम जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक ऊपर के साइड जो है वो हेमी स्फीयर की फॉर्म में इस तरह से है, राइट। और इसके अंदर अपने को नाम दिया है ये ए बी सी डी और ई एफ, ये दे रखा है इसके अंदर, राइट। और इसका पूरा डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायमीटर। और कॉनिकल पार्ट की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10.5, राइट। देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आइसक्रीम कंसिस्टिंग ऑफ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की अगर मैं बात करूँ, इसकी हेमीस्फीयर की, तो इसकी रेडियस अपने को कितनी दे रखी है, 7/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5। हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 10.5 दे रखी है। तो मैं इसको कोन के लिए बात करता हूँ, किसके लिए, कोन के लिए। आउटर हाइट, आउटर हाइट कितनी है, 10.5, राइट। अब देखिए इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो भी मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि ए ई डी सी, वो दे रखा है 0.5, और ए बी पैरेलल है ई एफ के, है ना, ए ई, अच्छा ए ई पैरेलल है ई एफ के, राइट। और बी सी, बी सी पैरेलल है ई एफ के, एफ डी के, किसके, एफ डी के, ये इसके पैरेलल दे रखा है, राइट। तो इसने पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन द कोन, ओके, है ना, आपको किसका वॉल्यूम बताना है, आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना है तुम्हें, इंक्लूडिंग इन हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर में भी होना चाहिए कोन के अंदर भी होना चाहिए। तो हेमीस्फीयर का तो आसानी से आ जाएगा, हेमीस्फीयर का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, लेकिन कोन के वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अपने को ए ई कितना दे रखा है, ए ई पूरा 0.5 दे रखा है, और ये भी कितना दे रखा है, पूरा 0.5 दे रखा है। तो ज़रा सोचिए, आइसक्रीम बाहर तो होगी नहीं, क्योंकि बाहर होती तो पूरी हाइट जो है वो कितनी हो जाती है इसकी, 10.5 हो जाती, लेकिन जो इनर हाइट है उसको आप क्या मान लीजिए, आप एच मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके पास दो ट्राइंगल बनेंगे, सेम बेस पे कितने ट्राइंगल बनेंगे, दो ट्राइंगल बनेंगे आपके, टेढ़े टेढ़े, ये देखिए, राइट, यही तो है। अब इसकी इनर हाइट कितनी है, एच है, आउटर हाइट कितनी है, 10.5 है, राइट। अब देखिए ये 0.5 है और ये 0.5 है, टोटल अपने को कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो अंदर वाली जो साइड है वो 6 हो जाएगी, कैसे बताइए भाई, अंदर वाली साइड 0.5 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी, सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी बाई एंगल एंगल, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है,
है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। अब इसमें सारी साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब तुमको हाइट बतानी है तो हाइट का रेशियो भी है ना हम आसानी से लिख सकते हैं, और डायमीटर का रेशियो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी साइड जो वो डायमीटर तो होगी। तो हम क्या करेंगे, रेशियो कैसे लिखेंगे, इनर हाइट अपॉन आउटर हाइट, सिमिलैरिटी के चक्कर में लिख सकते हैं आप इसको, इक्वल टू इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर। मैं लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। इनर हाइट h है, आउटर कितनी है 10.5 है, इनर डायमीटर कितना हुआ 6, और ये आउटर कितना हुआ 7। तो यहाँ से h इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 इंटू 10.5, 7 वन जा 7 और 7 फाइव जा 35, तो ये 9.0 इक्वल टू कितना 9। तो अब इसकी जो इनर हाइट है, सो देयरफॉर इनर हाइट कितनी आ गई, इनर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस लाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, टिणी टिणी ये बना लीजिए आप इसको फटाफट, क्लियर। अब देखें इसके अंदर, ये हटा देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको। अबे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कौन सा, इनर वाला, वॉल्यूम ऑफ कोन इनर वाला। तो बताइए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 πr³, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, राइट। चलिए वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए कितना आएगा। यहाँ से पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, ये वाला हिस्सा पहले ले लेता हूँ मैं, चलो ये लिख दो, पाई कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 2/3 r³ प्लस 1/3 r²h, तो ये कितना हो गया पाई, 2/3 है ना। रेडियस कितनी है इसकी, किसकी, इसकी हेमीस्फीयर की, तो हेमीस्फीयर की रेडियस को आप कैपिटल आर ले लें, क्या ले लें, कैपिटल आर, और इसकी रेडियस को क्या ले लें, स्मॉल आर। तो बताइए हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी आई थी, हेमीस्फीयर की रेडियस, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5, हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 का होल क्यूब, और प्लस 1/3, अच्छा इसकी रेडियस कितनी आई है, किसके कोन की, कोन की रेडियस अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी आई थी इसकी 9, तो ये 3 × 3 = 9, तो ये कितना हो गया पाई 2/3। 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए आप, हटाओ इसे, चलिए 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42.875, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा, और प्लस, और 3 × 3 = 9, 9 × 3 = कितना हो जाएगा 27, ये आएगा पाई की वैल्यू, आप ले लीजिए 22/7, क्लियर। अब 42.875 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये लगभग आएगा 85.75, साथ में जब मैं तो पास दूनी 10 85.75, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो कितना आएगा 22/7 इंटू 3 से डिवाइड करो इसे, तो लगभग कितना आएगा 3 × 6 = 22.858, और प्लस कितना 27, तो ये हो गया 22/7, इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो 1555.58, राइट। 22 से इसका मल्टीप्लाई करो, 22 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग कितना आएगा, 22 से मल्टीप्लाई करो इसका 8 × 16, हाँ तो ये हो जाएगा 1222.76/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 174.68, तो ये लगभग कितना आएगा 175 cm³, ये आइसक्रीम आएगी इसके अंदर, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हेमी स्फीयर यहाँ से लिया गया है ना, हेमीस्फीयर कहाँ से लिया गया, यहाँ पर,
बच्चों क्या लगता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है तो इसका आधा कितना होगा 3.5, तो 3.5 तो नहीं होना चाहिए हेमिस्फीयर की रेडियस, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 3.5, तो अपने कितने लेंगे 3.5 लेंगे। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, हटाओ उसे। सेकेंड पार्ट में इसने ये दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ द आउटर शेल, आउटर शेल का वॉल्यूम क्या होगा, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द आउटर शेल, जो शेडेड रीजन दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट देखें, वॉल्यूम ऑफ आउटर शेल, है ना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर कोन। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ आउटर कोन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये इनर वाला हो गया आपका, राइट। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच, यही तो होचेगा। तो 1/3 × 22/7, इसकी रेडियस कितनी होगी आउटर वाले की, आउटर वाले की होगी 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर, और आउटर की रेडियस कितनी है 10.5। इनर वाले की रेडियस कितनी आई थी, 3 आई थी, इनर वाले की रेडियस कितनी थी 3 थी, और इनर वाले की हाइट कितनी थी जो भी निकाली थी वो थी 9। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 × 22/7, इसका मल्टीप्लाई कर दो ना, 22/7 = 21, 3.5 का डबल कितना होता है 12.25 × 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81, है ना, फटाफट मल्टीप्लाई करते जाइए। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, लगभग होगा 128.625, और माइनस कितना हो जाएगा 81, तो 22/21, और इसमें से 81 माइनस करो तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, तो 47.625, राइट। अब यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड करिए आप, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 22 से 467 का करेंगे तो लगभग आएगा 104, है ना, 1047.75/21, 21 से इसे डिवाइड करिए तो लगभग आएगा 49.89, तो ये लगभग कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये अपना ये बिस्किट है ना जिसके अंदर आइसक्रीम रखी जाती है, उसका वॉल्यूम आ गया ये।